शेख रशीद अजीब बंदा है, वो तो सिर्फ चुटकुले जानता है। संजीदगी तो उसके नसीब में नहीं है। हम संजीदा लोग हैं। ट्रेन इसने कहा था कि हिंदुस्तान में ट्रेन ने एक्सीडेंट किया तो वजीर इसके यानी देश से नहीं लगी, ये झूठ बोल रहे हैं और ये दूसरे के ऊपर यहाँ से जलसा का शुरू होता है। देख लो, अब हम आपको दिखाते हैं असल हकीकत। असल हकीकत क्या है? ये इनकलाबी लोग जो है ना, जो आए हुए, जो इस्तीफा लेने आए हुए, इस्तीफा लेने आए हुए। देखो देखो, इनको इस्तीफा देना मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब के मनसब की तोहीन है कम अज़ कम। सोशल मीडिया पे बैठ के ऐसा लगता है कि बस इनकलाब आने वाला है, लाखों लोग निकल आए, तल धरने की जगह नहीं है। लेकिन यहाँ तो माहौल बिल्कुल काम, पुरसकून। कम से कम 6 पार्टियों के कारकुन आए हुए हैं, उसके बावजूद भी ये कश्मीर हाईवे को फिल नहीं कर सके। हमदर्दी है मुझे इन लोगों के साथ यार, इस्तेमाल हो रहे बेचारे। मौलाना साहब ने कहा था मैंने कई मिलियन मार्च किए। अगर तो मिलियन मार्च जिसको कहते हैं तो फिर तो मौलाना साहब की बात ठीक है। देख लो इनकी शक्लें, देख लो थोड़ी सी। ये सारे पार्टियों के, कितनी पार्टियों के लोग हैं? मेरे ख्याल में 6-7 पार्टियों के लोग हैं। वेरी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन। हमारी कौम में बिल्कुल भी शुऊर नहीं है मेरे ख्याल में, है ना? अगर शुऊर होता तो अभी सब नियाजी के खिलाफ निकले होते हैं। बहुत शर्म। सोशल मीडिया पर या असल में लोग दूर दराज से बैठकर सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसा कि बस यार ये सिचुएशन तेरीगन साहब के धरने की भी थी, ठीक है, वहाँ भी इतनी बड़ी तादाद मौजूद नहीं थी। धरना देना एक बहुत यानी अजीमत का काम है और हमारी कौम को अल्लाह ने ये सिफत बिल्कुल नहीं दी कि वो अजीमत पे अमल करें। लेकिन मौलाना साहब ने तो कहा था ना कि मैं 20 लाख लोग लेकर। अच्छा, उसने मीडिया पर उसने लिख के दिया। अच्छा, कि मैं 20 लाख तक। वैसे यार इस्लामाबाद की कुल आबादी 20 लाख है। अगर तो मौलाना साहब 20 लाख लेकर आ जाते तो इस्लामाबाद में तल धरने की जगह भी नहीं होती। माशाल्लाह, यहाँ मेरे ख्याल में यार यहाँ पे लोगों ने कारोबार भी लगाया हुआ है। माशाल्लाह, बिजनेस भी शुरू है। देखो देखो, यहाँ से अब तादाद में इजाफा होता जा रहा है। ये तादाद मेरे ख्याल में 20 से 30 हज़ार से ज़्यादा की नहीं होगी तादाद। बिलावल भुट्टो की आमद पे जमीयत के परचम लहरा रहे हैं। माशाल्लाह, ऐसा इत्तेहाद इत्तेफाक चाहिए हमें। सही मिक्स चचा रहे यार।
माशाल्लाह चकजई वालों का कबीला भी निकल आया। इसका पूरा टब्बर पिछले 5 साल बलोचिस्तानी असम्बली का मज़ा लेता रहा। देख ले कितनी बड़ी तादाद में आए हुए हैं। ये भी चाहता है कि पाकिस्तान पर हुक्मरानी करे। उनकी शक्लें तो देखो ज़रा, बेंच हो देखो इसकी शक्ल। इसका भाई गवर्नर था बलोचिस्तान का, इसका पूरा ख़ानदान मज़े ले रहा। और इस मरतबा इसका पूरा खानदान बाहर है, तकलीफ तो पहुंचेगी। इन लोगों को इस्तीफा नहीं, डंडा देना चाहिए, डंडा। ये एक और छोटी सी पार्टी है माशाल्लाह बलोचिस्तान की। ये बंदा सेनेट के इंतखाबात में खड़ा हुआ तो, और ये हमारा चेयरमैन सेनेट बनना चाह रहा था, हासिल बजंजो साहब। ये देखो ये इसकी शक्ल देखो, ये सेनेटर बनना चाह रहा था, चेयरमैन सेनेट। कंटेनर पर चढ़ने का मजा ही अलग है, कोई उतरता ही नहीं है फिर। सिलेंडर इधर भी लाया क्या? अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक्य हो जाए, फिर होगा तो फिर हुकूमत को बदनाम।